हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच आज एक बार फिर से अलजेब्रा का एक नया सेशन लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे जो अब तक आपके बैंक, SSC, रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये अलजेब्रा का पार्ट 9 होगा। कल मैंने आपको एक बात समझा दिया था कि जब भी एक्स जोड़ 1/(x)/2 दिया हो तो हमेशा x=1 लेकर सवाल को हल किया जाएगा, और यदि एक्स जोड़ 1/(x)-2 दिया हो तो x=-1 लेकर सवाल को हल किया जाएगा। ये दो बातें मैंने आपको कल समझाया था कि जब एक्स जोड़ 1/(x)-2 दिया हो तो x=1 लेकर के सवाल को हल किया जाएगा, और जब एक्स जोड़ 1/(x)-2 दिया हो तो x=-1 लेकर सवाल को हल किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जब x जोड़ 1/(x) के स्थान पर 2 के बदले दुनिया का कोई भी अंक दिया हो तो उस स्थिति में हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइप नेक्स्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि x=1/(x)=7 है, तो एग्जाम्पल है कि यदि x=1/(x)=7 है तो x²+1/(x)² यानी आपसे पूछा यदि x=1/(x) का मान 7 है तो x²+1/(x)² का वैल्यू आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी x होगा तो x को हम a मान लेंगे और जो 1/(x) होगा उसको हम b मान लेंगे, यानी कि एक्स को हम ए मान लेंगे और 1/(x) को बी मान लेंगे। तो एक्स जोड़ 1/(x) को हम ए बोल सकते हैं कि एक्स मतलब ए और 1/(x) मतलब बी, यानी यह दिया है ए जोड़ बी इक्वल टू 7 दिया है, और वैल्यू निकालना है x²+1/(x)² यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान निकालना है, यानी ए जोड़ बी का मान दिया है और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो समझेंगे कॉन्सेप्ट सबसे पहले, अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो जब मान इसका स्क्वायर में निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, तो यह ए है और यह बी है, तो ये हो जाएगा ए जोड़ बी का होल स्क्वायर। तो ए जोड़ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर यानी x² जोड़ बी स्क्वायर यानी 1/(x)² जोड़ होता है 2, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1/(x)=7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। एक्स से एक्स में भाग लग जाएगा तो यहां हो जाएगा एक्स का स्क्वायर जोड़ 1/(x)² और जोड़ 2 × 1 का मतलब 2 = हो गया 49। अब देखिए आपको सिर्फ वैल्यू निकालना है x² जोड़ 1/(x)² का, यानी x² जोड़ 1/(x)² इसका मतलब कि ये जो मान है एक्स्ट्रा है। तो अगर यहाँ पर 2 इधर जोड़ में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि x² जोड़ 1/(x)² इक्वल टू हम लिख देंगे कितना, 49 - 2 इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 47 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 47 आ गया। तो ये तो रहा कि जब हम इसको बेसिक्स से निकालेंगे तो जो संख्या था उसका स्क्वायर की, और जब यहाँ जोड़ में है तो इधर भेज दिए, माइनस कर दिए, आंसर कितना आ गया, 47 आ गया। तो जब हमें इसे डायरेक्ट निकालना होगा, यानी कि देखते ही अगर इसका आंसर निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये तो रहा बेसिक से, लेकिन यदि हमें इसको जल्दी निकालना है तो जल्दी निकालने के लिए सबसे पहले आप एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए एक्स जोड़ 1/(x)= दिया हुआ है ए, और मान आपको निकालने हैं x² जोड़ 1/(x)² का, या
मान लीजिए, मान दिया है एक्स माइनस एक बटा एक्स इक्वल टू ए, और वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर का। देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, समझिएगा। स्क्वायर में निकालना है तो हम यहाँ पर क्या किए, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो ए जोड़ बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ हो जाएगा टू, ए का मान एक्स है, बी का मान एक बटा एक्स इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, एक्स से एक्स में भाग लग गया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर जोड़ दो गुने एक दो इक्वल टू है ए स्क्वायर। यह दो इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, जोड़ में है तो इधर माइनस दो। यानी कि एक बात यहाँ पर समझेंगे कि जब एक्स जोड़ एक बटा एक्स बराबर ए यहाँ पर दिया था, तो जब मैंने इसको हल किया तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर माइनस दो, यानी कि जो मान दिया था उसका स्क्वायर निकाल करके हम इसमें से दो घटा दिए और अपना आंसर आ गया। अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे दिया है एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर ए, और मान हमको निकालना है एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर का, तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो यह ए है और यह बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और माइनस होता है टू ए यानी एक्स, बी यानी एक बटा एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, एक्स एक्स हो गया कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर, अब माइनस दो गुने एक दो इक्वल टू है ए स्क्वायर। यह माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको हम इधर ला करके जोड़ देंगे तो ये हो गया कितना ए स्क्वायर, और जोड़ दू मतलब कि आंसर अपना आ गया निकल के कितना ए स्क्वायर जोड़ दू। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि जब एक्स जोड़ एक बटा एक्स का मान ए दिया हो, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस दो, और यदि एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर ए दिया हो तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर का मान निकल के आएगा ए स्क्वायर जोड़ दो। यानी कि अगर जोड़ में दिया हो तो यहाँ पर हम दो घटा देंगे, और घटाओं में दिया हो तो यहाँ पर हम लेकर के दो जोड़ देंगे, और ए का अर्थ है कि जो मान आपका दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर में एक एग्जाम्पल हल किया था, यदि एक्स जोड़ एक बटा एक्स इक्वल टू सात है, तो मान हमें निकालने थे एक्स स्क्वायर और जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ, तो यहाँ पर ए है और ए का मान दिया हुआ है सात, तो ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा सात का स्क्वायर, और जब यहाँ जोड़ में दिया है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दो घटा देंगे, तो सात का स्क्वायर उनचास और उनचास में से दो जाएगा सैतालीस, और आपके आंसर आ गया कितने सैतालीस। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया उस पे उससे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं वो सब हम देखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर एक दिया है कि यदि एक्स जोड़ एक बटा एक्स इक्वल टू पाँच है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वा। तो देखिए एक्स जोड़ एक बटा एक्स का मान दिया है पाँच, और एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप जानते हैं सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, तो ए का मान दिया है पाँच, तो ये हो जाएगा पाँच का स्क्वायर, और जब यहाँ पर जोड़ में दिया है तो ये हो जाएगा क्या माइनस दो, तो ये हो जाएगा पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस दो बराबर आंसर आपके आ गया इतने तेईस। दूसरा एग्जांपल दिया है कि यदि एक्स माइनस एक बटा एक्स इक्वल टू तीन है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट, यानी कि इस बार माइनस में मान दिया है,
तो यहाँ पर मान दिया है 3, तो सबसे पहले जो मान दिया है उसका स्क्वायर निकालेंगे, और जब यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर 2 हम लेकर के जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 2 ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 11, और आपके आंसर होगा 11। अगला एग्जांपल दिया है कि यदि एक्स जोड़ 1/x इक्वल टू 4 है तो एक्स के पावर 4 और जोड़ 1/x के पावर 4 इक्वल टू 1। देखिए अभी आपने जो भी सीखा है वो स्क्वायर से रिलेटेड सीखा है, लेकिन इस बार वाला आपसे बोला कि एक्स के पावर 4, तो समझेंगे अगर किसी संख्या का पावर 2 है इसका मतलब कि उसका स्क्वायर 1 बार हुआ है, और यदि किसी संख्या का पावर 4 है इसका मतलब कि उसका स्क्वायर हुआ है 2 बार। तो देखिए यहाँ पर दिया है x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4, इसका मतलब ये है कि हमें इसका 2 बार स्क्वायर निकालना होगा, और जब हम 2 बार स्क्वायर निकालेंगे तो इस रूप में आएगा। तो x जोड़ 1/x इक्वल टू 4 दिया है, तो जब हम x स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर का मान यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा जो मान दिया है उसका स्क्वायर, तो मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, और जोड़ में दिया है तो माइनस में 2, तो इसका स्क्वायर होता है 16, और 16 में से 2 घटेगा तो क्या आ गया 14। इसका मतलब है कि जब x जोड़ 1/x इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ गया कितना 14, लेकिन हमें जो मान निकालने हैं वो मान निकालना है x के पावर 4 और जोड़ 1/x के पावर 4 इक्वल टू हुआ, इसका मतलब कि स्क्वायर 2 बार होना है, तो 1 बार तो स्क्वायर हो गया। अब जब हम दोबारा स्क्वायर निकालेंगे तो दोबारा हम इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसका मान है कितना 14 है, तो x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा जो इसका मान दिया है उसका स्क्वायर, तो मान 14 है तो 14 का स्क्वायर, और जब यह जोड़ में है तो यह हो जाएगा माइनस में 2, तो इसका स्क्वायर होता है 196-2 इक्वल टू आंसर आ गया कितना 194, और आपके उत्तर हो गए 194। यानी कि जब x जोड़ 1/x इक्वल टू 4 है तो x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4 इक्वल टू निकल कर के आ गया कितना 194। तो याद रखेंगे कि जब एक संख्या के पावर में 4 दिया है इसका मतलब कि स्क्वायर हमें 2 बार निकालने हैं। जैसे अगला एग्जांपल है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो x के पावर 4 और जोड़ 1/x के पावर 4 इक्वल टू हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी इसके पावर में 4 दिया है इसका मतलब कि इसका हमें स्क्वायर निकालना होगा 2 बार। तो अगर हम x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है तो अगर हम x स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सबसे पहले जो मान दिया है उसका स्क्वायर निकालेंगे, मान 3 है 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ पर 2 लेकर के जोड़ देंगे तो क्या हो गया 9 और 2 11 हो गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालना है x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4, यानी कि स्क्वायर 1 बार नहीं स्क्वायर 2 बार होगा, तो 1 बार स्क्वायर किया तो मान 11 आया, 1 बार और स्क्वायर करना होगा तो अब स्क्वायर किया जाएगा इसका, तो x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा इसका मान 11 है, तो हम निकालेंगे 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और जब ये जोर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2, तो 121 में से अगर 2 माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा। एक दो और एग्जांपल हम लोग इस पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है x के पावर 5 जोड़ 1/x के पावर 5 इक्वल टू 8 है तो x के पावर 10 जोड़ 1/x के पावर 10 इक्वल टू हुआ। आपसे ये पूछा कि यदि x के पावर 5 जोड़ 1/x के पावर 5 का मान 8 दिया है तो x के पावर 10 जोड़ 1/x के पावर 10 इक्वल टू हुआ। एक बात सबसे पहले यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि आखिर x के पावर 5 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो
क्या इसका स्क्वायर निकल के x के पावर 10 आएगा? तो अगर आप मान लीजिए x के पावर 5 है और यदि आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 दुनी के 10 यानी x के पावर 10 हो जाएगा। यानी कि x के पावर 5 जोड़ 1 बटा x के पावर 5 का मान 8 दिया है और जब इसका स्क्वायर निकाला तो x के पावर 10 जोड़ 1 बटा x के पावर 10 इक्वल टू 8, यानी इसके स्क्वायर का मान हमें निकालने हैं। तो आप ये जानते हैं कि जितना बार स्क्वायर हुआ होगा उतना बार हम इस संख्या का स्क्वायर निकाल करके, अगर ये जोड़ में है तो 2 घटाएंगे और घटाव में है तो 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर एक बार हुआ है, मतलब कि 5 दूनी 10 यानी एक बार स्क्वायर हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ में है तो इसमें से 2 घटा देंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस में 2 और आंसर क्या आ गया 62। और आपके आंसर निकल के आ गया कितने, 62। एक और एग्जांपल देखते हैं, SSCLDC का क्वेश्चन है, यदि एक्स के पावर 3 बटा 2 अजोर 1 बटा एक्स के पावर 3 बटा 2 इक्वल टू 6 है तो एक्स का क्यूब अजोर 1 बटा एक्स का क्यूब इक्वल टू हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन कि यदि x के पावर 3 बटा 2 अजोर 1 बटा x के पावर 3 बटा 2 इक्वल टू 6 है तो x का क्यू अजोर 1 बटा x का क्यू इक्वल टू हुआ। तो समझेंगे कि क्या हम x के पावर 3 बटा 2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या x क्यू आएगा? तो हम देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, x का क्यू। यानी कि जब हमने x के पावर 3 बटा 2 का स्क्वायर निकाला तो इस रूप में आ गया, x क्यू के रूप में आ गया। इसका मतलब है कि यह x जोड़ 1 बटा x का मान दिया है और x स्क्वायर जोड़ 1 बटा x स्क्वायर का मान निकालना है। तो जब इसका मान हमें निकालना है तो इसका मान दिया है 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये जब जोड़ में दिया है तो हम इसमें से 2 घटा देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 2 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 34 आ गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया है रूट अंडर एक्स और जो 1 बटा रूट अंडर एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स जोर 1 बटा एक्स इक्वल टू हुआ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि रूट अंडर एक्स जोर 1 बटा रूट अंडर एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स जोर 1 बटा एक्स इक्वल टू हुआ। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझेंगे कि क्या हम रूट अंडर एक्स का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या एक्स के रूप में आ जाएगा? तो हम देखते हैं, तो रूट अंडर एक्स का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स के रूप में आएगा। यानी कि एक्स रूट अंडर एक्स को हम एक्स मान लिए, यानी एक्स जोर 1 बटा एक्स का मान दिया हुआ है इतना 5 और सिर्फ एक्स का मान निकालना है। तो एक्स निकला कब, जब हमने रूट अंडर एक्स का स्क्वायर किया, यानी कि एक्स स्क्वायर जोर 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें जब निकालने हैं तो इसका मान दिया हुआ है 5 तो ये हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर और जोड़ में दिया है तो -2 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 -2 इक्वल टू आंसर क्या आ गया 23 आ गया और आपके आंसर हो गया कितने 23। तो मैंने आपको अभी एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखा दिया कि जब भी एक्स जोर 1 बटा एक्स बराबर ए दिया हो तो एक्स स्क्वायर जोर 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो मान दिया है उसका स्क्वायर जोर में है तो क्या करेंगे -2। और यही अगर एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर ए दिया हो तो एक्स स्क्वायर जोर 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जो मान दिया है उसका स्क्वायर माइनस में है तो क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि अगर जोर में है तो 2 इसमें से घटाना है और यदि घटाओ में है तो इसमें 2 आपको लेकर के जोड़ देना है। तो अगला है आपका,
अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल एक देखा कि जब एक्स जोड़ एक बटा एक्स बराबर कुछ भी दिया हो तो एक्स एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा एक्स एक्स स्क्वायर या एक्स के पावर फोर जोड़ एक बटा एक्स के पावर फोर निकालेंगे कैसे। लेकिन अब यहाँ पे अगला जो है ये टाइप नेक्स्ट होगा, सब लिख लेंगे। टाइप नेक्स्ट है कि यदि तीन एक्स जोड़ एक बटा दू एक्स बराबर छ है तो नौ एक्स स्क्वायर जोड़ एक बटा फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखिए बात वही है इसमें भी, लेकिन इस बार क्या है एक्स के साथ एक अंक भी आ गया है। तो सबसे पहले बेसिक, उसके बाद हम आपको बताएंगे देसी जुगाड़। तो बेसिक यह है कि जब स्क्वायर में निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a जोड़ b का होल स्क्वायर, तो a का मान है 3x और b का मान है 1 बटा 2x। तो a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर, जोड़ b स्क्वायर तो 1 बटा 2x का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और जोड़ हो जाएगा 2 a का मान 3x गुने b का मान है कितना 1 बटा 2x इक्वल टू हो गया 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा भाई साहब 36 होगा। अब देखिए ये एक से एक हो गया कैंसिल और ये दो से दो हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 9x स्क्वायर जोड़ एक बटा 4x स्क्वायर जोड़ हो जाएगा 3 गुने 1 यानी 3 इक्वल टू हो गया कितना 36। ये 3 इधर जोड़ में इधर आएगा तो भाई साहब माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9x स्क्वायर जोड़ एक बटा 4x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस में 3 बराबर आंसर क्या हो गया 33 हो गया, और आपके आंसर होगा कितने 33। तो ये तो रहा बेसिक से जब हम निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन अगर हमें जल्दी निकालना होगा तो निकालेंगे कैसे समझिएगा इस बात को। देखिए आप इतना तो जानते हैं कि जब x जोड़ एक बटा x का मान a दिया है तो x स्क्वायर जोड़ एक बटा x स्क्वायर इक्वल टू जो मान दिया है उसका स्क्वायर माइनस में 2, यानी जोड़ में है तो माइनस 2। लेकिन और यदि यही x माइनस एक बटा x बराबर a दिया है तो x स्क्वायर जोड़ एक बटा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में है तो कितना जोड़ में 2। इतना बात आप जानते हैं तो तो इसी नियम से यह भी निकल जाए। आइए हम निकालते हैं। तो दिया है क्या कि 3x जोड़ 1 बटा 2x इक्वल टू 6 है तो 9x स्क्वायर और जोड़ 1 बटा 4x स्क्वायर इक्वल टू हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि मान दिया है कितना 6 दिया है तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और जब ये क्वेश्चन जोर में दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना जी हमेशा 2, अगर जोर में है तो 2 हम घटाएंगे और घटाओ में है तो 2 यहाँ पर लेकर के जोड़ देंगे। इतना तो आप जानते हैं। अब इसमें अतिरिक्त काम आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अंश में 3 है और हर में यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम भी इसमें क्या करेंगे कि 3 और बट्टा 2 से गुणा कर देंगे। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये 6 का स्क्वायर 36 और माइनस में 3 बराबर आंसर कितना आ गया 33। समझे कि नहीं समझे एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले जो मान दिया है उसका स्क्वायर, तो मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, जोर में दिया है तो यहाँ कर देंगे माइनस 2, और माइनस 2 होने के बाद में देखिए अंश वाले एक्स के साथ 3 है और हर वाले एक्स के साथ 2 है, मतलब कि अंश में 3 है और हर में 2 है, तो हम भी यहाँ पर क्या किए अंश में 3 रह के हर में 2 रह के इससे इंटू कर दिए। जब इंटू किए तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 6 का स्क्वायर निकाले 36 माइनस में 3 बराबर आंसर क्या आ गया 33 आ गया। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि यदि x जोड़ 1 बटा 2x इक्वल टू 9 है तो x स्क्वायर जोड़ 1 बटा 4x स्क्वायर इक्वल टू हुआ, यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो मान दिया है उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो मान 9 है तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, जोर में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2, और सिर्फ इसमें इंटू किया जाएगा और अंश और हर में जो अंक दिया होगा
तो यहाँ एक्स और एक्स के साथ कोई अंक नहीं है तो एक है, और यहाँ हर में भी एक्स और इसके साथ दो है, मतलब कि अंश में एक है और हर में दो है, यानी एक बट्टा दो से हमें गुना कर देने हैं। तो ये दो से दो समाप्त हो गया, ये हो गया 9 का स्क्वायर 81, अब माइनस में 1 हो जाएगा, 81 में सेक जाएगा, आंसर निकल के भाई साहब क्या आ गया, 80 आ गया। अगला एग्जाम्पल दिया है कि यदि 2x + 1/3x = 5 है तो 4x² + 1/9x² = 12। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर 2x + 1/3x = दिया हुआ है 5, तो 4x² + 1/9x² का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए मान इसका दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये जोर में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। अब इसमें इंटू किया जाएगा अंश और हर वाले अंक से, तो x के साथ अंश में 2 है और x के साथ हर में 3 है, यानी इंटू हो जाएगा यहाँ पर इतना से 2/3 से। तो हम जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 2 × 4 और बट्टा में हो जाएगा 3। जब हम इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3 × 25 का मतलब होता है 75 माइनस में 4/3 घटेगा तो निकल के आएगा 71/3। आपका आंसर क्या आ गया, 71/3। अगला एग्जांपल दिया है कि यदि 5x + 1/x = 7 है तो 25x² + 1/x² = 8, यानी कि हमें इसका एक बार स्क्वायर करके जवाब देना है। तो इसका मान दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और जब ये जोर में है तो ये हो जाएगा माइनस में 2। और देखिए ऊपर वाले यानी अंश के साथ एक्स में 5 है और यहाँ हर के साथ एक्स में 1 है, यानी कि इंटू होगा अंश में 5 और हर में 1, यानी कि 5/1 से। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 2 × 5 = 10, 49 में से 10 घटाएंगे, आंसर क्या आ गया, 39, यानी इसका आंसर होगा 39। अगला एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि यदि 4x + 1/3x = 4 है तो 16x² + 1/9x² = 12। तो सबसे पहले जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर, तो मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये जोर में है तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें इंटू हो जाएगा अंश और हर वाले अंक से, तो एक्स के साथ अंश में 4 है और हर के साथ अंश में 3 है, यानी यहाँ इंटू हो जाएगा 4/3 से। तो जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस में 2 × 8/3। अब इसको हम घटाएंगे तो 3 × 16 = 48, यानी 16 × 3 = 48 और 48 में से 8 घटेगा तो आंसर आएगा कितना, 40/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बस।